नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN में। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गैस, आज तो मार्केट क्लोज रहा है और कल की बात की जाए तो दोस्तों कल मंडे को अच्छी खासी तेज़ी शेयर में देखने को मिली थी। फिलहाल के टाइम दोस्तों चार्ट का जो संकेत काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है कि दोस्तों कल वापस से शेयर में बड़ी जंप देखने को मिलने वाली है। लगभग दोस्तों 5 से 7 रुपये के आसपास का अपर सर्किट कल नज़र आ सकता है। रिटर्न्स में शेयर अच्छा भागता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल के टाइम दोस्तों क्वार्टर फोर को लेकर क्या बड़े अपडेट देखने को मिलने वाली है और चार्ट एनालिसिस का क्या संकेत देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिलहाल के टाइम देखा जाए तो दोस्तों कल की जो मार्केट थी उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों भले मार्केट गिरावट से ओपनिंग में देखने को मिला, पर जो अच्छी खासी जो तेज़ी थी वो देखने को कल जरूर से मिली थी। पर दोस्तों आज की जो रीज़न क्या है हॉलीडेज का, आज जो है महावीर जयंती, तो उस वजह से मार्केट रहा है टोटली क्लोज। फिलहाल के टाइम दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों 5 दिनों में जो लगातार जो तेज़ी देखने को मिल रही थी उनमें जो इंक्रीज जो हो रही थी उसमें अच्छा खासा फंडामेंटल जो है दोस्तों वो रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा था। फिलहाल के टाइम लगातार जो शेयर होल्डर्स है वो इस प्रकार की गलती करते हुए नजर आ रहे हैं कि इंट्राडे के अलावा कुछ सेलिंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल भी इस टाइम जो है सेलिंग ना करें दोस्तों, क्योंकि सेलिंग इस टाइम आप करते हैं तो उसमें फंडामेंटल में दोस्तों रिकवरी अच्छी खासी होती हुई नजर आ रही है। आंतरिक फंडामेंटल की बात करिए, बाहरी फंडामेंटल की, दोनों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है और शेयर होल्डर्स लगातार गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच अगर बात की जाए तो दोस्तों फिलहाल के टाइम फंडामेंटल में दोस्तों जो रिकवरी थी 1 महीने की अगर बात की जाए तो उसमें दोस्तों जो गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़े से उसमें गिरावट अभी देखने को मिल रही है, पर आने वाले दोस्तों 5 से 7 ट्रेड के अंदर अच्छे खासे फंडामेंटल में सुधार बनती हुई नजर आ जाएगी। आने वाले दोस्तों जो 1 महीने की जो ग्राउंड देखने को मिल रही है उसमें दोस्तों जो पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों जो 2 से 3 ट्रेड आप लोग को इस बीच देखने को मिल रही है उसमें अच्छी खासी फंडामेंटल में रिकवरी देखने को मिली, अचानक तेजी देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों मार्च के एंडिंग में अच्छी खासी शेयर तेजी में देखने को मिला है। उस बीच अगर फंडामेंटल पिछले टाइम का देखा Q3 का, तो Q3 के अंदर फंडामेंटल में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिरावट आप लोगों को देखने को मिली थी, पर उसमें दोस्तों रेवेन्यू में गिरावट ज़्यादा देखने को मिली थी, इस वजह से कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ा था, पर वापस शेयर में रिकवरी यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। फंडामेंटल बाकी की बात की जाए, नेट इनकम की बात की जाए, या दोस्तों डेली TPS की या नेट प्रॉफिट मार्जिन की, टोटली फंडामेंटल रिकवर हुआ है और अच्छी खासी जंप यहाँ पे शेयर में देखने को मिली है। उस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन मार्केट वापस से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है और बाकी फंडामेंटल दोस्तों देखा जाए तो उसमें तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के टाइम दोस्तों अच्छी खासी आप बाइंग आप बना सकते हैं और होल्डिंग अभी के टाइम कर सकते हैं। तो जो भी फंडामेंटल हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। फिलहाल के टाइम दोस्तों लेकर चला हूँ बेसिक फंडामेंटल की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले बता दो, चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट किया दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो आइए बढ़ते, तो दोस्तों फिलहाल के टाइम देखा जाए तो अच्छी खासी ट्रेड शेयर में देखने को मिल रहा है। अगर पिछले ट्रेड की बात की जाए तो इस लेवल पर आप लोग का प्रॉफिट बना। दोस्तों ट्रेडिंग की अगर बात की जाए दोस्तों लगभग 55 रुपये के आसपास की जो ट्रेड देखने को मिली, 52 रुपये के आसपास शेयर में गिरावट इस लेवल पर बनती हुई देखने को मिलती, पर अगला जो प्रॉफिट था दोस्तों आप लोग को 72 रुपये पर बनता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 50 रुपये से यहाँ पर आपकी गिरावट देखने को मिली, उससे वापस से प्रॉफिट रिकवर होता हुआ नजर आ रहा, और देखा जाए तो दोस्तों 58 रुपये 20 पैसे पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और अगला जो प्रॉफिट आप लोग को बनने वाला वो दोस्तों वापस से 65 से 70 रुपये के बीच में बनने वाला, तो काफ़ी ज़्यादा जो तेजी का संकेत है चार्ट का वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो बाइंग आप बड़ी अच्छी खासी बना सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि क्वार्टर फोर के पहले पहले जितनी हो सके बाइंग कर लेना, बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में देखने को मिलने वाली। अगर बाइंग आप करोगे तो प्रॉफिट भी आप लोग को ही मिलने वाला है। बाकी जो भी अपने एनालिसिस हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, जानकारी पसंद आती वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।